आज हम कर रहे हैं मटर की बिजाई। तो भैया ने यहाँ पे बीज लगा लिया है। हमारी बिजाई हो चुकी है यहाँ और ये वाला खेत पूरा। और इस साइड को छोटे छोटे मटर यूज कर रहे हैं, वो है ये वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं, थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। और मैं आपको वेलकम कर रही हूँ अपने बगीचे से। तो आज मौसम इतने दिनों बाद बिल्कुल साफ है। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जैसे मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया। और आज हम कर रहे हैं यहाँ पे मटर की बिजाई कर रहे हैं, क्योंकि कल बहुत बारिश हो गई थी। तो इसलिए तो भैया ने यहाँ पे बीज लगा लिया है। बस आज साथ में हेल्प करने के लिए भैया और अनिका, यहाँ पे दो नेपाली भैया भी आए। और ये वाले जो खेत है, हमने पहले बीज दिया है, बस अभी ये वाला खेत रहता है। यहाँ देखिए सब जगह बीज बीज लगा हुआ है। तो यहाँ पे भैया इसको नहीं खराब करना, ऐसे रखना। ये धनिया यहाँ पे लगा हुआ है, इतना लंबा हो गया। तो हम जो मटर यूज कर रहे हैं, वो है ये वाला। ओए, इस साइड खेत में और ये वाला खेत हमने बिजाई कर लिया, और वहां से निकला ये सारा घास। टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे, और अभी हुआ है टी टाइम। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए भैया इन सब के लिए। यहाँ देखिए, ये सोच रही मैं कर क्या रही हूँ। हेलो करो भैया। तो भैया सोच रही कि मैं क्या कर रही हूँ, व्लॉगिंग बना रही हूँ, लगी हूँ कैमरे के साथ। और ये जा रही गाड़ी यहाँ से सड़क, मैंने आपको पीछे उसमें भी दिखाया था। और आसमान आज बिल्कुल साफ है। और ये देखिए सामने क्या दिख गया हमें, चांद। और ये स्नो से ढके हुए पहाड़ की चोटियाँ। और यहाँ पे मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही दिखाया था यहाँ का, जब व्लॉगिंग करा था। तो मतलब 3-4 दिन के अंदर ही इतने सारे ग्रीनरी आ गई है यहाँ देखिए। तो 2-3 दिन के अंदर ही इतने लंबे लंबे हो गए पत्ते। और ये पिंक कलर का पीच का जो पेड़ है, उसमें इतनी सुंदर 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 फ्लावरिंग हो रखी है। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है। और ऑलमोस्ट मतलब बादाम, जो बादाम की फ्लावरिंग है वो ख़त्म होके अब पत्ते आ गए। और यहाँ पे पुदीने भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए। ये देखिए, और ये यहाँ पे है पालक लास्ट ईयर का, और यहाँ पे भी बिजाई कर दिया। यहाँ पे हमने सब्जी लगा ली है। और ये देखिए लास्ट ईयर का ये पालक, अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं। और जो घर के पास हमारा एप्रिकॉट का पेड़ है, इसमें भी फ्लावरिंग अब ख़त्म हो चुकी है। देखिए सारे अब इसमें छोटे छोटे एप्रिकॉट लगेंगे, अभी पर दिख नहीं रहा कुछ भी। मैंने शायद फोकस किया है क्या है। चाय बन के रेडी हो गई मेरी, बस अभी इसको अच्छे से उबालूंगी फिर दे दूंगी भैया को। तो चाय पी लिया, अब मेरी तैयारी हो रही है वापस घर जाने की। पर घर जाने से पहले मैं देखती हूँ भैया वगैरह क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिजाई ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या कर रहे भैया। क्या कर रहे आप लोग, तौलिया बना रहे हैं? तो यहाँ चला है तौलिया बनाने का काम। भैया साथ में सुन रहे नेपाली गाना।
मुझे शाम के 5 बजे और आप मैं यहाँ से दिखाती हूँ धूप। ये देखिए आधे छुप गई और आधे में भी है। बिजाई हो चुके है यहाँ और ये वाला खेत पूरा, और इस साइड के छोटे छोटे जो दो खेत थे वो अभी भैया और दो और नेपाली भैया वो लगे हुए हैं यहाँ पे तुलिया बनाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। और मैं और बुआ जी की तैयारी हो गई अब वापस जाने के लिए, घर जाने के लिए वापस। तो अब हम निकलते हैं, फिर मिलती हूँ आपको मैं घर पहुँच के। और रास्ते में फूल ही फूल बिखरे हुए मिलेंगे आपको आजकल हर जगह पे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए कितने फूल लगे। और यहाँ चलते चलते यहाँ पे एक पब्लिक टैब भी लगा हुआ है, अगर कोई यहाँ खेत से आते हुए थक जाए तो। और इस इधर से कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा लबरंग का किला। मैं पहुँच गई हूँ घर। और ये देखिए धूप यहाँ पे यहाँ तक है, और चांद यहाँ पहुँच चुका है। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रेडी होके मैं जा रही हूँ बाज़ार। तो हमारा जो मेन बाज़ार है गांव से थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ जा रही हूँ। और आज का मैं आपको मौसम का अपडेट दूँ, तो सुबह मौसम बिल्कुल साफ था और अभी देखिए फिर से बादल बादल। अब मुझे लग रहा है फिर से बारिश होने की तैयारी हो रही है। निकलती हूँ, थोड़ी लेट हो गई हूँ। घर पहुंच गई हूँ। तो वैसे मैं गई थी बाजार, थोड़ा सा सामान लेना था और बाकी एक छोटी सी मीटिंग थी वहाँ गई थी, और साथ में मैं गई थी बैंक। बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाना था दीदा के लिए, सुकन्या अकाउंट। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी खुलवाऊंगी, तो फाइनली आज मैंने खुलवा भी दिया। और अब अभी भी पहुँची तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और मुझे काफ़ी काम है वो निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे, और अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया, बस थोड़े थोड़े से यहाँ पे बादल रह गए। चारों तरफ घर के चारों तरफ आपको ये फूल खेत जहाँ पे भी जाएंगे बस फूल ही फूल बिखरे हुए दिखेंगे आपको। और इस वाले से भी फूल जड़ गए, तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारी सब्जी तैयार हो रही है, ये है जोरबो। यहाँ पे देखिए ये जो अंगूर का बेल है ना वो जा रहा है ऊपर अखरोट के पेड़ में। तो इसी के साथ जो आज का व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलती हूँ जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।